बात स्वाति मालीवाल केस की करेंगे। देखिए स्वाति मालीवाल केस में बड़ा अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के घर आज 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी, जहां पर उनके माता पिता से सवाल जवाब होंगे, उनकी पत्नी के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने भी सवाल उठाए, जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। पिटाई कांड की जांच के दायरे में अब केजरीवाल का परिवार भी आ गया है। आज दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के घर पहुंचेगी और उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। इस बीच केजरीवाल ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने कहा कि मैं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में निष्पक्ष जांच न्याय चाहता हूं, क्योंकि घटना के दो पक्ष हैं। तो वहीं पहली बार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर केजरीवाल के माता पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अपने मन में दुर्भावना इतनी बढ़ा ली है प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को नोटिस भेजकर दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको अपमानित करने की योजना बनाई है। स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बूढ़े माँ बाप घर पर थे और अब ड्राइंग रूम में लड़की को पिटवा रहे थे। बहुत बेशर्म बेटे, कम से कम बूढ़े माँ बाप की शर्म कर लेते, घर में ऐसा पाप क्यों किया। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भरकर कांग्रेस को पैसे पहुंचाए, इस पर पलटवार राहुल गांधी ने किया था, लेकिन अब उन्होंने टेम्पो की सवारी करके एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। हेलो, कैसे? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलग तरीके से मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने टेम्पो पर सवारी की, टेम्पो चलाने वालों से बात की और अडानी अंबानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर राहुल के इस अंदाज का वीडियो जारी किया है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर एक पोस्ट भी लिखा, नरेंद्र मोदी का टेम्पो अडानी अन्याय और भ्रष्टाचार वाला है, जबकि जननायक का टेम्पो भागीदारी न्याय और रोजगार वाला है। इस वीडियो में कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बता रही है, तो वही राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोले। नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।